वर्ष 2022 इतना बड़ा अवसर है, ये दशक भी उतना ही बड़ा अवसर है और इसके सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा ऊर्जा। इसी ऊर्जा ने हमेशा देश संभाला है और यही ऊर्जा इसी दशक को भी संभालेगी। It feels like unity in diversity, and whatever Modi ji said, we got inspired by him, and we feel very great to attend this camp here, and I'm very happy to see him here. आज PM हमारे बीच में थे, बहुत अच्छा लगा। NCC के बच्चों को, हम लोगों को proud feel हो रहा था कि हम लोगों ने RDC का हम हिस्सा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारा कैंप है और हमने उसके सामने परफॉर्म किया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो मोटिवेट किया उन्होंने स्टूडेंट्स को, बच्चों को, कैडेट्स को, यहाँ पे अच्छी लगी आवाज, उनकी मोटिवेट किया उन्होंने आपने। ये देश हमें ही मजबूत बनाना है, हमें ही इसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। साल 2022 में जब हम अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएंगे, तब ऐसी अनेक समस्याओं से हमें देश को हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देना है। स्वतंत्रता के बाद से चली आ रही समस्याओं से ये मुक्ति ही इस दशक में नए भारत को सशक्त करेगी। जब देश पुरानी समस्याओं को समाप्त करके आगे बढ़ेगा तो उसका सामर्थ्य भी खिल उठेगा। भारत की ऊर्जा वहां लगेगी जहां लगनी चाहिए।